नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए नारियल की बर्फी। चलिए बनाते हैं ये आसान नारियल की बर्फी मेरे हैप्पी किचन में। नारियल की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल। अभी ये नारियल को हम तोड़ देते हैं। देखिए ये फ्रेश नारियल है, अभी इसको हम निकाल देंगे। ऐसे नारियल को चाकू से तोड़ के निकाल लेंगे। ऐसे पूरे नारियल को हम निकाल लेंगे, आराम आराम से निकालिए। इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे चाकू से भी निकाल सकते हैं। नारियल सारे हमने तोड़ के निकाल दिया, इसके ऊपर जो छिलका है इसको हम निकाल देते हैं। ये रहेगा तो बर्फी का कलर अच्छा नहीं आएगा। सारे नारियल को हम छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। नारियल छील के मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अभी एक मिक्सी की जार में डाल के इसको हम पीस लेते हैं। ये मैंने सारे नारियल मिक्सी के जार में डाल दिया है, अभी इसको हम पीस लेंगे। इसको पानी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पीस जाएगा। ये देखिए नारियल पीस गया है अच्छे से। अभी हम बना लेते हैं बर्फी। एक कढ़ाई ले लिया मैंने, इसमें अभी हम डाल देंगे जो नारियल हमने पीस के रखा था। जितना नारियल हम उतना चीनी डाल देंगे। अभी फ्लेम को स्लो रखेंगे। ये बहुत ही आसान मिठाई है, इसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट भी लगता है, सिर्फ नारियल, चीनी और इलायची पाउडर। इसको पानी की डालने की जरूरत नहीं है, स्लो फ्लेम में डालेंगे तो जो चीनी डाले हैं वो आराम से मेल्ट हो जाएगा और ये बनने के लिए 8 से 10 मिनट ही टाइम लगता है। आप मीठा अगर कम खाते हो तो चीनी कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है, ये हमें देखना होता है। इसका चीनी मेल्ट हो जाए और ये जब सूखने लगे इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे तो ये तैयार हो गया है। ये होने लगा है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में डाल के सेट करने के लिए रख लेंगे। अभी इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को अच्छे से मिला देंगे और इसको अभी प्लेट में डाल देंगे। अभी हम नारियल को इस प्लेट में डाल के सेट कर लेंगे। इसको हम ऐसे बर्फी के शेप में काट लेंगे। ये हो गया है, अभी इसको हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। लीजिए बनके तैयार हो गया हमारे नारियल की बर्फी। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, जैसे मार्केट की जैसे ही बर्फी। आप लोग बहुत आसानी से घर पे बना सकते हो, तो आप लोग भी जरूर बनाना और कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल का नाम है हैप्पी किचन विद पंकजिनी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।